हिमाचल प्रदेश का किन्नौर बना 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला देश का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां पर 100% योग्य आबादी को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। यह सूचना राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साझा की। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश ने राज्य की कुल 100% आबादी जो कि 18% 18+ है, ठीक है, तो 18 से एबव है, का टीकाकरण करवा लिया है। राज्य ने सभी योग्य लोगों को कोरोना की पहली खुराक दे दी गई। हिमाचल प्रदेश यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। नासा ने लूसी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए यह लॉन्च किया स्पेसक्राफ्ट। आइए इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। इस अंतरिक्ष यान को 16 अक्टूबर 2021 को कीप कैनावेरल स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। यह अंतरिक्ष यान 4.5 अरब साल पहले सौरमंडल के निर्माण के बारे में कई अंतर्दृष्टि प्राप्त करेगा। मिशन का उद्देश्य चट्टानी पिंडों के समूह की जांच के उद्देश्य से लॉन्च किया गया जो दो समूहों में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। लूसी मिशन क्या है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बूस्ट प्राप्त करने के बाद मिशन लूसी 12 साल की यात्रा पर जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य बेल्ट में 8 अलग-अलग क्षुद्र ग्रहों में 12 साल की यात्रा पूरी की जाएगी। यह अंतरिक्ष यान अपनी सतह के 400 किलोमीटर के दायरे में लक्षित पिंडों के पास से उड़ान भरेगा। यह लक्ष्य पिंडों के भूविज्ञान की जांच के लिए ऑनबोर्ड उपकरणों और बड़े एंटीना का उपयोग करेगा। इस मिशन की कुल लागत $981 मिलियन है। आइए समझते हैं ट्रोजन क्या है। ट्रोजन छोटे खगोलीय पिंड या क्षुद्र ग्रह होते हैं जो बड़े क्षुद्र ग्रहों की कक्षा को साझा करते हैं। वे मुख्य पिंड से लगभग 60 डिग्री आगे या पीछे स्थित कक्षा में रहते हैं। वे ग्रहों या बड़े चंद्रमाओं की कक्षाओं को साझा करते हैं। ट्रोजन एक प्रकार की सहकक्षीय पिंड यानी कि को ऑर्बिटल ऑब्जेक्ट है। सौरमंडल के अधिकांश ज्ञात ट्रोजन बृहस्पति की कक्षा को साझा करते हैं। वे अंतरिक्ष के बहुत छोटे क्षेत्र में हैं लेकिन एक दूसरे से शारीरिक रूप से भिन्न हैं। अब तक लगभग 7,000 ट्रोजन ज्ञात हो चुके हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। चर्चा में क्यों? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी की है। वार्षिक रूप से प्रकाशित WEO रिपोर्ट ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के अनुमानों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। वर्ष 2021 की रिपोर्ट ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 COP26 शिखर सम्मेलन ग्लासगो यूके में जो हुआ था में जलवायु कार्रवाई के लिए सरकारों पर अधिक दबाव का संकेत दिया। इससे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन नेट जीरो इमिशन हेतु नेट जीरो बाय 2050 नाम से रोड मैप जारी किया गया है। सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, एक्सरसाइज मित्र शक्ति को देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण श्रीलंका में आयोजित किया गया। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण वर्ष 2019 में पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था और ये 8वां संस्करण अभी हुआ। तो इसके आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु परिचय। यह अभ्यास शहरी इलाकों में विद्रोहों की रोकथाम और आतंकवाद रोधी अभियानों पर आधारित है। यह श्रीलंकाई सेना द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा द्विपक्षीय अभ्यास है और भारत तथा श्रीलंका की बढ़ती रक्षा साझेदारी का प्रमुख हिस्सा है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच निकट संबंधों एवं तालमेल और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना तथा विद्रोहों की रोकथाम एवं आतंकवाद रोधी अभियानों में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। श्रीलंका के साथ हमारे अन्य सैन्य अभ्यास में सिलिनेक्स सैन्य अभ्यास, तो ये नौसैनिक सैन्य अभ्यास है सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य। दूसरा युद्धाभ्यास एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 17वां संस्करण था ये भारत और अमेरिका के बीच जो खेला गया। फर्स्ट
फरवरी 2021 में इस अभ्यास के पिछले संस्करण का आयोजन बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में किया गया था। प्रमुख बिंदु, यह भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इस अभ्यास की शुरुआत 2004 में अमेरिकन आर्मी पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत की गई थी। आइए देखते हैं भारत और अमेरिका के साथ अन्य सैन्य अभ्यास। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास के लिए ये किया जाता है, टाइगर ट्रायम्फ। दूसरा है वज्र प्रहार, तीसरा है कोप इंडिया, चौथा है मालाबार, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड के भी सदस्य हैं ये सारे भाग लेते हैं, और रेड फ्लैग अमेरिका का बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है रेड फ्लैग। तो इतने अभ्यास जो भारत के साथ अमेरिका के होते हैं। चाइना ने अभी लॉन्च किया, चाइना से इट टेस्टेड हाइपरसोनिक व्हीकल नॉट मिसाइल एज प्रीवियसली रिपोर्टेड, अर्थात चाइना ने अभी एक मिसाइल लॉन्च किया है जिसको चाइना ने उसको मिसाइल नहीं बल्कि उसे एक व्हीकल माना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने हाल ही में एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल का परीक्षण किया जिसने अपने लक्ष्य की ओर जाने से पूर्व पृथ्वी का चक्कर लगाया, जिसको चाइना मिसाइल नहीं मानता है और इसको व्हीकल मानता है। अमेरिका, रूस और चीन सहित कई देश हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहे हैं जो ध्वनि से 5 गुना तेज गति से यात्रा करते हैं। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में इनकी गति धीमी होती है, किंतु इन्हें अवरोध करना यानी कि अवरोधित करना, ट्रैक करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। भारत के लिए निहितार्थ, अमेरिका चीन की बढ़ती प्रतिद्वंदिता और पूर्वी लद्दाख में एक वर्ष से चल रहे गतिरोध की पृष्ठभूमि में हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी का विकास निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का विषय है। इन गतियों पर चलने वाली हथियार प्रणाली का अर्थ होगा कि भारत को भी इन्हीं गतियों पर रक्षा प्रणाली का विकास करना होगा। हाइपरसोनिक गति और प्रौद्योगिकी को समझते हैं, ये क्या होते हैं। हाइपरसोनिक गति मैक या ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा अधिक तेजी से चलता है। मैक यह हवा में ध्वनि की गति की तुलना में एक विमान की गति का वर्णन करता है, जिसमें मैक एक ध्वनि की गति यानी 343 मीटर प्रति सेकंड की बराबर होती है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल। तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये वे मिसाइल हैं जो अपनी उड़ान के दौरान रॉकेट या जेट प्रणोदक का उपयोग करती हैं और इन्हें मौजूदा क्रूज मिसाइलों का तीव्र संस्करण माना जाता है। हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल, ये मिसाइलें लक्ष्य की ओर लॉन्च होने से पूर्व एक पारंपरिक रॉकेट के माध्यम से पहले वायुमंडल में जाती हैं। प्रयुक्त प्रौद्योगिकी, अधिकांश हाइपरसोनिक वाहन मुख्य रूप से स्क्रैमजेट तकनीक का उपयोग करते हैं जो एक प्रकार का वायु श्वास प्रणोदन प्रणाली है। यह अत्यंत जटिल तकनीक है जिसमें उच्च तापमान सहन करने की विदक्षता होती है, जिसके कारण हाइपरसोनिक सिस्टम बेहद महंगा होता है। आइए समझते हैं बैलिस्टिक मिसाइल बनाम क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल, इसमें प्रक्षेप गति और प्रक्षेप वक्र में यात्रा, गुरुत्वाकर्षण, वायु प्रतिरोध और कोरियालिस बल पर निर्भर करती है, जबकि क्रूज मिसाइल में यह तुलनात्मक रूप से गति के लिए सीधे प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करता है, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाता है और पुनः उसमें प्रवेश करता है। क्रूज मिसाइल, इसका उड़ान पथ पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही होता है। नेक्स्ट है कि लंबी दूरी की मिसाइलें होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल, जिनकी दूरी 300 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक होती है, और जबकि क्रूज मिसाइल 1,000 किलोमीटर तक की रेंज का होता है। क्रूज मिसाइल का उदाहरण है ब्रह्मोस और बैलिस्टिक मिसाइल का उदाहरण है पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकेंड, अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकेंड और धनुष मिसाइलें। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर और वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट योर लर्निंग टुगेदर। सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक। धन्यवाद।